स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन टिकट निकाला हुआ है, जी हाँ आई मीन ई टिकट, आपने IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC की एप्लीकेशन पे निकाला हुआ है, तो आपके मन में कभी न कभी सवाल आता है क्या हम बिना मैसेज या फिर बिना प्रिंट या फिर XYZ हम कोई भी ऐसी मतलब कुछ हम मतलब कि ऐसा हमारे पास कोई प्रूफ ना हो जिससे हमारा टिकट निकला हुआ है तो ऐसे मार्टर कर सकते नहीं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास ना मोबाइल है, हमारे पास उदाहरण के तौर पे बस एक आई कार्ड है, मतलब एक पहचान पत्र है। उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है, मतलब हमारे पास जब मोबाइल नहीं है तो हमारे पास ऑनलाइन रेलवे टिकट का कोई प्रिंट नहीं है, मतलब XYZ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यात्रा कर सकते नहीं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर रेलवे के रूल्स के हिसाब से आप चलेंगे, जो IRCTC की रूल्स है, तो आप बिल्कुल नहीं मतलब इम्पॉसिबल है। अगर आप कस्टमर केयर से पूछेंगे सर इसका कोई आप सॉल्यूशन दीजिए तो बोलते नहीं सर ये इम्पॉसिबल है, आप या तो ऑनलाइन टिकट प्रिंट या फिर PDF या फिर उसका स्क्रीनशॉट या फिर आप मेल, मतलब कुछ भी आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, ऐसा दोस्तों रेलवे बोल रही है। तो मान के चलो अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, उदाहरण के तौर पर आपके पास मोबाइल नहीं है और किसी दूर बंदे से आपने टिकट बुक करवाया और वो टिकट उसने निकाल दिया और आपको सीट बता दिया कि इतने नंबर सीट पे तुझे बैठ जाना है, तो इतने नंबर सीट पे अगर आप बैठ जाओगे तो आपको वहाँ क्या दिक्कत होने वाली है? तो दोस्तों जो मेन TC रहता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मेन TC है उसको तो पता है क्योंकि चार्ट में आपका नाम रहेगा और आपका कन्फर्म सीट है। लेकिन जो लोकल TC चढ़ते हैं जगह जगह उनको दिक्कत होगी, वो आपका मतलब वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। वो क्या प्रॉब्लम देंगे, वो आपसे टिकट मांगेंगे, आप बोलेंगे हमारे पास टिकट नहीं है, हमारे पास ID प्रूफ है, हमारा इतना इतना सीट है, आप ये बर्थ चेक कर लीजिए, ये ऐसा ऐसा बोलेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आप गलत माने जाओगे रेलवे के रूल्स के हिसाब से, तो हाँ दोस्तों आपको TC थोड़ा बहुत पेनल्टी ले सकता है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, सो मैं सजेशन दूंगा आप ऐसी गलती मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि टिकट निकाल देते हैं लेकिन सामने वाले को पता ना चले कि इसका प्रिंट मतलब कितना प्राइस का छपा हुआ है, तो एक कागज़ में लिख के दे देते हैं और सामने वाले बंदे को नहीं पता रहता तो कागज़ लेके चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से अनवैलिड है, मतलब आप इससे सफ़र नहीं कर सकते हैं। सो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऑनलाइन टिकट निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक ले लीजिए, चाहे मैसेज ले लीजिए, चाहे PDF ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। ID प्रूफ तो दोस्तों आपके साथ रहना चाहिए क्योंकि जो लोकल TC चढ़ेंगे वो आपको दिक्कत दे सकते हैं, भारी का अच्छा खासा जुर्माना आपसे वसूल सकते हैं। क्योंकि रेलवे का भी ऐसा रूल्स है कि आपको मतलब कि कुछ ना कुछ एक प्रिंट टिकट या फिर मैसेज कुछ ना कुछ आपको चाहिए ही अगर आप ऑनलाइन टिकट निकाले हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बस एक छोटी सी अपडेट देने वाला था, तो वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।